नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां चुनाव के संबंध में अधिसूचना जारी की जा चुकी है, वहीं अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन जहां के लिए अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है, वहां के मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले मंगलवार यानी 19 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भाजपा नेता एवं आमदार चंद्रशेखर बावनकुले ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा की पहले से ही मांग थी कि चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होना चाहिए। त्या ठिकाणी मात्र ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी झाल्यावरच काही निर्णय होऊ शकेल, कारण नगरपालिकेची जी नोटिफिकेशन आहे ते 20 तारखेला निघणार आहे। फक्त निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम असा घ्यावा अशा सूचना कलेक्टरला दिल्या आहेत। जोपर्यंत कलेक्टर नोटिफाईड करत नाही इलेक्शन, तोपर्यंत ती कारवाई सुरू होत नाही। ती 20 तारखेला नोटिफिकेशन होणार आहे, त्यामुळे त्याच्याबद्दल आज काही सांगणे योग्य होणार नाही। 20 तारखेनंतर निवडणुका सुरू होणार आहे, त्यामुळे आज तरी 19 तारखेची वाट बघावी लागेल की 92 नगरपालिका आणि पुढच्या नगरपंचायतचं काय होईल।